आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर इंदौर की है, जहां इंदौर में पीड़ित परिवार द्वारा एडिशनल पुलिस कमिश्नर को फर्जी दस्तावेज बनाकर मकान पर कब्जा करने वाले अपने ही मामा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं फरियादी का कहना है कि बच्चा बीमार होने के कारण उसने उपचार के लिए 2,30,000 रुपए उधार लिए थे। वहीं पैसे वापसी करने के बाद भी मामा ने पूरे परिवार को घर से बेदखल कर दिया। साथ ही कहा कि दस्तावेजों में नकली अंगूठे के आधार पर कई फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए गए। रुपए की मुझे जरूरत थी तो मैंने 2,30,000 रुपये मैंने गिरवी रखा था अतानुर रहमान के पास, जो कि मेरी नानी का भाई है, और मेरे मामा के कहने पर गिरवी रखा था कि तू इधर उधर कहाँ भटकेगा, तू मेरे पास रख दे और मुझे मकान की भी ज़रूरत है, मैं रह भी लूँगा और तेरा पैसे का भी काम निकल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने 3 साल के एग्रीमेंट पे 100 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके मैंने उसको मकान गिरवी रखने दिया और उसने मेरे ओरिजिनल दस्तावेज भी रखे, जो कि 3 साल के एग्रीमेंट के बाद उसने मुझसे कहा कि 10-20 हज़ार रुपये करके मुझे पैसे भी दे दे। तो मैंने उसको ऐसे करके अकाउंट के थ्रू मैंने 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे करके उसको पैसे भी दिए और ऐसे करके मैंने उसको 1,95,000 रुपये वापस किए। ठीक है सर, उसके बाद 35,000 रुपये बचे और उसके 3 साल का एग्रीमेंट जब ख़त्म होने को आया करीब हुआ 2023 में 13 तारीख को, तो मैंने बोला आप मकान खाली कर दीजिए, आपके 35,000 जो आप ले लो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया तो मैंने बोला कि मेरे दस्तावेज मुझे वापस कर दो और आपका एग्रीमेंट भी ख़त्म है, आप मकान भी खाली कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे फैमिली वाले और मुझे ये नकली दस्तावेज दिए, फोटोकॉपी, ये मेरी नोटरी है तो प्रिंट आउट करा के उन्होंने मुझे नकली दस्तावेज दिए और मुझे कहा कि यही कागज़ है मेरे पास, तो इसी वास्ते तो मैंने गलत अंगूठा भी लगा लिया, गलत अंगूठा, और इसके अलावा इन्होंने दूसरे फर्जी कागज भी बनाए अपने नाम से, अपने भांजे के नाम से, अनवर अली नाम है उनका, शिवा खातून उनकी वाइफ का नाम है। कहाँ पे मकान है ये? मकान अशरफी नगर खजराने में है, जो कि मेरे मकान पर कब्जा कर लिया। इस पर मैंने ये 15-30 का है सर जी। आज यहाँ पर आए हैं जी? आज मैं यहाँ पे आया हूँ सर, हर जगह से मैं परेशान हो गया हूँ तो मैं यहाँ आया हूँ। मेरा पूरा परिवार दर बदर भटक रहा है सर, किराए से हम लोग रह रहे हैं। आपका नाम? जी मेरा नाम इरफान है सर। मैं आप लोग से गुजारिश है कि मेरे मकान पे हक दिलाया जाए मुझे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।